अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ नौशी और आप लोग देख रहे हैं नौशी मरियम व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँगी क्योंकि आजकल वेडिंग सीजन ऑन है और मेरी कज़न की भी शादी हो रही है। सो मैंने सोचा शादी के बाद जो लड़कियाँ हैं वो मेकअप तो ज़रूर करती हैं और जो नहीं भी करती वो लोग भी करती हैं। सो ये स्पेशली वीडियो जो है वो उनके लिए हैं। सो लाइट सा मेकअप मैं आपको और हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंजॉय करिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने वो कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है जो कि आपके पास अवेलेबल हो। और मैंने अपनी स्किन पर जो है वो मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। और सबसे पहले अपनी स्किन को हमेशा प्रेप करें क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होते हैं जिससे पिंपल्स भी हो जाते हैं हमारे फेस पर और स्किन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है आपने, कोई भी अच्छा सा सीरम भी लगा सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद आपने थोड़ी देर वेट करना है और जब वो ड्राई हो जाए थोड़ा सो फिर आपने लेना है अपना फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, मेरे पास है ये हुदा ब्यूटी का फाउंडेशन है ये। सो मैं ये लगाऊँगी। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना फाउंडेशन लगाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है और बहुत हाई कवरेज है ये फाउंडेशन। मैंने इसको और फ्रेंड्स अब हम इसकी तरह से इसको अप्लाई करेंगे। और नेक पर भी अप्लाई करेंगे। और अब हम यूज करेंगे हमारा कंसीलर। दी कंसीलर है ये, बहुत हाई कवरेज है और बहुत ही जबरदस्त है ये। हमारे डार्क सर्कल एरिया की साइड से हम इसको यूज करेंगे और एक्नी स्पॉट जो भी हो हम यहाँ भी लगा सकते हैं। और हम फिर इसको ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आई बेस है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम आईब्रोज करते हैं पहले। सो आईब्रोज के लिए मेरे पास है ये किस ब्यूटी का है ये आईलाइनर भी है और ये ब्रो जेल भी है। आईब्रो कर लेते हैं अपनी। फिल करूंगी, मेरे पास है ये लुक एवर की है ये आई शैडो पैलेट। सो फ्रेंड्स, इसका जो है वो ब्राउन शेड मैं यूज करूंगी। और अगर आपके पास ये ना भी हो पैलेट और अगर आप चाहें तो ये क्रिस्टीन का भी है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। सो ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके हम यूज करेंगे। तो भी है, अब हमें चाहिए होगा एक ब्लेंडिंग ब्रश। हम लेंगे फ्रेंड्स, हम एक ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और
ऑरेंज शेड लेंगे, पहले तो हम एक ऑरेंज शेड लेंगे और उसे अपनी फ्रेंड्स मैं ये वाली शेड लूँगी, तो ऑरेंज शेड लेंगे और हम एक एक डैब देंगे फ्रेंड्स। अच्छा इसको बाहर नहीं निकालना, इसको अंदर रखना, ठीक है। देख सकते हैं टीन की पैलेट है, तो इसमें से मैं शूट कर रही हूँ जी। ब्राउन चाहिए, फिर इसको भी हम ऐसे थोड़ा सा कॉर्नर बनाएंगे, पूरा नहीं लेके जाएंगे, अब इसको हम हाफ लेंगे। यहाँ पर हम इसको रखेंगे पहले शीट को, फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे। शीट को रखा, देन सर मैं लूँगी, मेरे पास ये ग्लेंजी की पैलेट है, ग्लेंजी की हम पैलेट लेंगे। इसके अंदर शेड है, बहुत ही खूबसूरत से इसके शेड्स हैं, आप देख सकते हैं। सो मतलब कॉपर सा ये शेड है, हम ले लेंगे। आप इसके जगह गोल्ड शेड भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स हमने गोल्ड स्नेक शेड लगाया है। ये आईलाइनर किस ब्यूटी का आईलाइनर है ये, और अब हम इसको लगाकर फिर ब्लेंड करेंगे। सबसे पहले तो हमने एक लाइन जो है आइस के अंदर लगा ली है, अब हम बिल्कुल स्ट्रेट ही इसको लेके जाएंगे। और फिर अंदर से एक लाइन बनाएंगे, इस लाइन से ब्लैक शेडो लेंगे, थोड़ा सा ब्लैक शेड लेके हम इसको और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं ब्लेंड करना तो आप ब्लेंड करें लाइनर को, और अगर आप लोग सिंपल ऐसे रखना चाहते हैं तो आप लोग वैसे भी रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा स्मोक जो है वो स्मोकी आइस, थोड़ा सा स्मोकी आइस तो नहीं है फुल, लेकिन थोड़ा सा स्मोक टच दिया है मैंने, उससे आइस जो है वो काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। सो अगर आप चाहें तो ऐसे भी स्टॉप कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें सो इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग लुक भी आप दे सकते हैं।
गाइस लाइनर जो है मैंने अगेन रिफ्रेश किया था और फ्रेंड्स अंडर आई जो है वो वाइट पेंसिल लगा ली किसी भी पर्पलिश कह रहे हैं मुझे विश्वास कमज कर रहा है फ्रेंड्स हमारे पास दो मेबलिन के ये कॉम्पैक्ट हैं सो मैं ये वाला लगाती हूँ इसका शेड 3 नंबर का शेड है सो मैं इसको ब्रश से ही लगाऊंगी लाइट फिंगर्स थोड़ा सा वीक है ये है फ्रेंड्स कलर इंस्टीट्यूट का बहुत जबरदस्त है ये हाईलाइट फ्रेंड्स अब लिपस्टिक की बारी आई है तो आप लोग इस पर न्यूड लिपस्टिक भी लगा सकते हैं और अगर रेड लिपस्टिक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं और रेड लिप से पूरा जो लुक है वो उठ जाएगा न्यूड से भी खूबसूरत लुक आएगा सो मैं सोचूँ रेड लिपस्टिक क्यों मैं लगाऊँ आप न्यूड वैसे मैंने थोड़ी सी लगी हुई है मेरा वो देख सकते हैं लगी है तो ऐसा लुक आएगा न्यूड और अभी लगते हैं रेड लिपस्टिक आज का हमारा लुक और अभी देखते हैं आपको मेकअप कैसा लगा
सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा कंप्लीट ब्राइडल लुक, न्यूली वेड ब्राइडल लुक। सो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। सो इसी तरह की वीडियो मैं बनाते रहूँगी, और नौशीन शेख को दीजिए इजाज़त। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर कुछ भी पूछना हो मेकअप से रिलेटेड, आप लोग जो भी पूछना चाहें तो आप लोग वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़रूर बताइएगा कि मेकअप कैसा लगा आपका, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए मेकअप के साथ या नई ब्यूटी टिप्स के साथ। मिलते हैं फिर, बाय बाय, लव यू।